इतनी फजीलत अब बयान नहीं करता। हमारे जो सियासी लीडर हैं बदकिस्मती से वो तो बिल्कुल ही जिहाद को भूले हुए हैं। उनको तो ये लगता है कि हमारी मुईशत इस काबिल ही नहीं कि हम जिहाद कर सकें, हम जंग अफोर्ड कर सकें। हालांकि यकीन करें कि जितने हम गुनाहगार हैं, हमें दुआ करनी चाहिए कि जिहाद हो, ताकि हम शहीद होने की कोशिश करें और हमारे मुकद्दर में अगर शहादत लिखी हो और हमें शहादत मिल जाए तो अपनी इस जिंदगी में जितने भी गुनाह किए अल्लाह हमें वो माफ़ कर दे। अदरवाइज तो अगर हम हिसाब किताब के चक्कर में पड़ गए तो बचने का चांस उसका नहीं है जिसका हिसाब किताब शुरू हो गया, क्योंकि गुनाहों में डूबे हुए हम लोग हैं। तो जिहाद का जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहिए। सोडत साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ और जो मैंने शुरू में कुरान पाक की एक आयत पढ़ी उसका तर्जमा मैं आपसे शेयर करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा में फरमाता है कि वो मुसलमान बराबर नहीं हो सकते जो बगैर उजर के घर बैठे रहें, उनके साथ जो लोग अल्लाह की राह में माल और जान से जिहाद करें, बल्कि अल्लाह ने उन लोगों का दर्जा बहुत बड़ा बनाया है जो अपने माल और जान से जिहाद करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो घरों में सुकून से बैठे रहते हैं। और इसी की ताइद में अल्लाह के नबी की हदीस जो बुखारी में मिलती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिस बंदे के पांव गुबार आलूद हो गए, इंशाअल्लाह दोजख की आग उस इंसान को नहीं छुएगी। ये कितनी बड़ी बशारतें हैं, ये कितनी बड़ी फजीलतें हैं जो आज से 1400 साल पहले हमें बता दी गई। और ये कितनी आसान है, कितनी आसान है। 47 दिन से हम जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल था। सिर्फ जिहाद का ऐलान किया जाता तो यकीन करें शायद जिहाद की नौबत ही ना आती। हिंदू बनिया या उसके जितने भी मक्कार और अय्यार दोस्त हैं जो छुपे हुए हैं, वो सबको पता है वो छुपे, इतने भी नहीं छुपे, इसराइल है, अमेरिका है और बाकी जो बातिल कुव्वतें हैं, उन सब में हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों की मदद करें। और आज से कई हज़ार साल पहले जो पेशगोईयां की गई, आज से 1400 साल पहले जो गज़वा हिंद की बात की गई, मेरा दिल कहता है कि उसका वक़्त बहुत करीब है और शायद हमारी ज़िंदगी में अल्लाह हमें वो दिखा दे। तो आखिर में मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों भाइयों सबसे कहें कि जिहाद का शौक अपने दिल में पैदा करें। और एक हदीस का मफहूम मैं आपसे शेयर करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बंदा अल्लाह को जवाब दे होगा कि जिसके दिल में जिहाद का शौक भी कभी पैदा ना हुआ। जिहाद करना तो हुकूमत का काम है, अमीरुल मोमिनीन का काम है, जो कि जदीद जमहूरियत के अगर हम सिस्टम देखें तो वज़ीर आज़म या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है तो वो कर सकते हैं। लेकिन हमने कम अज़ कम जो करना है वो ये करना है कि अपने दिल